गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शायब देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडीए एडवाइजरी। और हम फिर आ गए अजय सर के साथ Q&A सेशन विद मिस्टर अजय केडिया को लेके, हर मंडे हर बार की तरह। अजय सर, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। नमस्कार सर, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट बुलियन का व्यू आपसे जानना चाहता हूँ कि इस हफ्ते डॉलर का क्या व्यू रहेगा, और गोल्ड जो हमने देखा कि लास्ट वीक थोड़ा तेजी में था करीब 0.1% की, और सिल्वर थोड़ा मंदी में था उसका उल्टा। आज थोड़ा साइडवेज था गोल्ड में और सिल्वर में भी थोड़ा मंदी था, तो क्या व्यू रहेगा सर इस हफ्ते गोल्ड और सिल्वर में? थैंक यू साहब। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज अजय केडिया। देखिए, सबसे पहले आज मार्केट क्यों रेंज बाउंड है वो आप जानते हैं। मैंने सुबह ही पॉडकास्ट में कहा था कि यूएस मार्केट हॉलीडे में है, लेबर डे के सेलिब्रेशन के, जिसके चलते मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा। तो मॉर्निंग से ही हम देख रहे हैं कि मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। इस वक्त भी अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स 104.12 के करीब ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले हम कभी भी जब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले डॉलर का व्यू देखते हैं। तो डॉलर में आप देखिए कि हमने पहले भी कहा था कि मार्केट में एक तेजी बनी है, इस तेजी के बाद मार्केट में गिरावट आनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट बना हुआ है। तो हमने एग्जैक्टली प्राइजेस में एक बड़ी गिरावट देखी थी 30 सितंबर बुधवार तक, क्योंकि सोमवार को जब हमने सेशन लिया था तब उम्मीद थी मार्केट में गिरावट आएगी, और हमने बुधवार तक नीचे भी आते हुए देखा। लेकिन थर्सडे लग रहा था कि प्राइजेस में एकाएक जो 3 दिन के अंदर ही बड़ी गिरावट आई तो थोड़ा बाउंस बनता है। हमने यहाँ पे देखा प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर गया और शुक्रवार को एक जंप जरूर मार दिया। अब मार्केट जब तक 104.40 के ऊपर नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम ये जोन में कंसोलिडेट करेंगे। एक बार प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे चले जाता है देन डेफिनेटली हम फिर से प्राइजेस में 101 से 102 के बीच में कंसोलिडेट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए वॉलिटिलिटी धीरे धीरे बढ़ने वाली है, अभी कम थी बट अब बढ़ जाएगी, और यहाँ पे मैकडी नेगेटिव बता रहा है, जिसका मतलब है कि आगे जाकर डॉलर में गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। और डॉलर में जब भी गिरावट आती है तो आप मान के चलिए सोने और चांदी के अंदर हम ज्यादा करके प्राइजेस के अंदर एक गिरावट तेजी देखते हैं। तो एक बार डॉलर में मुझे करेक्शन लग रहा है। सबसे पहले अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इंटरनेशनल में इस वक्त $1940 के करीब ट्रेड कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जो पिछले हफ्ते बताया था उसी में आप देखिए एग्जैक्टली मैंने यहाँ तक हाई पकड़ा था और हमने यहाँ तक ही हाई बनते हुए देखा। अब यहाँ से उम्मीद थी कि थोड़ा पुलबैक दिखाएगा और फिर मार्केट 1975 तक जाता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि 1975 एक की लेवल बन चुका है। इससे पहले भी कई बार हमने देखा कि प्राइजेस 1975 के करीब एक रेजिस्टेंट जोन बना रहा है 1970-75 के बीच में। एक बार प्राइजेस 1975 के ऊपर अगर निकल जाता है देन डेफिनेटली हम प्राइजेस के अंदर एक नई तेजी देखेंगे, जो लगभग 2061 का भाव हम बनते हुए देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर प्राइजेस के अंदर एक अच्छी तेजी है, थोड़ा पुलबैक पॉसिबल, वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन है, पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ हुआ है, विच इज अ गुड साइन कि हम आगे भी प्राइजेस के अंदर तेजी देखेंगे। और हाँ, फेड ने आगे कहा भी है कि हम इंटरेस्ट रेट सितंबर अक्टूबर में नहीं बढ़ाएंगे, जिसके चलते हमें लगता है कि सिनेरियो जो है वो कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव होते जाएगा गोल्ड के लिए आने वाले दिनों में। तो गोल्ड का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। वहीं अगर हम चांदी की अगर बात करें तो चांदी में हमने एक अच्छी खासी रैली के बाद एक पुलबैक भी देख रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की थी और प्राइजेस ने एग्जैक्टली इसका रेजिस्टेंस लेके थोड़ा पुलबैक दिखा रहा है। तो आई थिंक मार्केट के अंदर थोड़ा एक हम बोल सकते हैं पुलबैक है मार्केट के अंदर, बट कुल मिलाकर उस पुलबैक के बाद मार्केट वापस तेजी का रूप दिखा देगा। क्लोजिंग बेस पे अगर हम देखें तो विनीट के $25 के ऊपर प्राइजेस अगर होल्ड कर जाता है, जो इससे पहले भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा है कि प्राइजेस ये जो जोन है इस जोन के बियॉन्ड क्लोज देना चाहिए, फिर हम 26.5 का भी लेवल देखते हुए देख पाएंगे। यहाँ पे आप देखिए इचिमिको क्लाउड ग्रीन में है, प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर डाउन साइड में अगर हम बात करें तो वॉलिटिलिटी हाई वॉलिटिलिटी जोन में है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल जो है पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया था बट कर्व बना रहा है, तो थोड़ा सा गिरावट जरूर दिख रहा है, जो मुझे लगता है 23.60-70 के आसपास दिखाने के बाद चांदी के अंदर हम एक तेजी देख पाएंगे। बट कुल मिलाकर जिस ढंग से चाइना ने रेट कट किया है, बेस मेटल को तेजी मिली है, ये कहीं ना कहीं चांदी को भी अपलिफ्ट देता हुआ दिखाई देगा। और जब भी हमें देखना है कि गोल्ड अच्छा चलेगा या तेजी अच्छी चलेगी चांदी चलेगी, तो उसके लिए हम गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हैं। और गोल्ड सिल्वर रेशियो में आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बेस बनाकर अब रिकवरी दिखा रहा है। तो रिकवरी के अंदर हमें लगता है कि यहाँ पे एक
थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाने के बाद मार्केट ये जोन में ही ट्रेड करेगा। हाँ, हाई पॉसिबिलिटी कि ये लेवल दिखाने के बाद वापस हम गिरावट ले ले, बट टाइमिंग मार्केट सपोर्ट लेके चल रहा है, तो जब भी ये गोल्ड सिल्वर रेशियो में तेजी आती है तो जनरली हम देखते हैं सोने चांदी में एक गिरावट देखने मिल जाती है। तो ऑलरेडी हमने गिरावट देख लिया है, हाई पॉसिबिलिटी अगले हफ्ते ये हफ्ते के अंदर अंदर वापस यहाँ से यू टर्न कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक 200 मूविंग एवरेज का कहीं ना कहीं एक की रेजिस्टेंट मार्केट के लिए बना हुआ है। जब तक प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, ट्रेंड हम बोल सकते हैं कि मार्केट के अंदर नेगेटिव रहेगा, और जब भी रेशियो में नेगेटिवनेस रहेगा तब तक हम देखेंगे कि प्राइसेस में सोना चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। तो वॉलिटिटी तो कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, और यहाँ पे देखिए थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है, तो टाइमिंग गोल्ड सिल्वर रेशियो में तेजी है, जिसका मतलब है सोने और चांदी में थोड़ा सा पुल बैक पॉसिबल। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो सबसे पहले एमसीएक्स बुलडेक्स के अंदर हमने 16,100 का लेवल छूते हुए तो जरूर देखा है, बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बना हुआ है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा सपोर्ट है, ब्रेकआउट दिया है बट थोड़ा रिट्रेस किया है नीचे। तो जब तक प्राइजेस 15,800 का लेवल मेंटेन है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम ये पुलबैक देखने के बाद मार्केट में तेजी बने, बट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होने की वजह से प्राइजेस में तेजी का रुख रहेगा। वॉलिटिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर आया हुआ है, जिसका मतलब है शॉर्ट तो हमें बिल्कुल करना नहीं है। तो पॉसिबल है कि एक बार थोड़ा सा पुलबैक मिल जाए, बट उस पुलबैक के बाद एमसीएक्स बुलडेक्स में तेजी कायम रहेगी, और जब भी एमसीएक्स बुलडेक्स में तेजी रहेगी तो आप मान के चलिए कि सोने और चांदी में तेजी का रुख है। वहीं अगर गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड एक दायरे में अटक चुका है, हमने पहले भी बताया था कि मार्केट 59,100 के ऊपर जब तक नहीं जाता दायरा रहेगा। तो पिछले हफ्ते हमने प्राइजेस को 59,000 के ऊपर सस्टेन तो कर लिया है, बट आप देख सकते हैं वॉलिटिटी अब बढ़ने की उम्मीद है, पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है, प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के ऊपर बना हुआ है, बट नई बड़ी तेजी के लिए हमें 60 का लेवल ही तोड़ेंगे तो बनेगा। अदरवाइज मार्केट अब नया रेंज जो है 59,100 से लेकर 60,000 के बीच में है, इसी जोन में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो टाइमिंग गोल्ड में क्लियरिटी नहीं है, मार्केट एक दायरे में है, 59 से 59,800 या 59,900 का जो रेंज है इसी रेंज में सोना ट्रेड करेगा। रुपए पर नजर रखिए, बिकॉज रुपए की जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम चांदी की अगर बात करें तो चांदी के अंदर जैसे हमने उम्मीद की थी, प्राइजेस ने एग्जैक्टली 76,000 का लेवल छूने के बाद गिरावट ले रहा है। हमारे हिसाब से 73,000-73,500 तक का पुलबैक दिखा रहा है टेक्निकली, बट फंडामेंटली अब जो नए अपडेट आ रहे हैं कि फेड सितंबर में रेट हाइक नहीं करेगा, तो सितंबर में फेड की मीट के दौरान हम देखेंगे मार्केट के अंदर एक बड़ा जंप आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो थोड़ा बहुत पुलबैक पॉसिबल है, या हो सकता है मार्केट इसी जोन से वापस बढ़ जाए। तो शॉर्ट नहीं करना है, लेके काम करना है, थोड़ा थोड़ा लेके चलिए, ट्रेंड पॉजिटिव, यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी जोन में ही है और पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, इसलिए बिल्कुल चांदी भी लेके चलिए। और जैसे चाइना ने अभी जो रेट कट किया है ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को अपलिफ्ट देता हुआ ही दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर सोने और चांदी में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति है, साइडवे है थोड़े बहुत, बट आगे जाके मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। सर, इसके बाद अगर एनर्जी में हम देखें तो पिछले हफ्ते दोनों ही नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में हमने तेजी देखी। 5.5% की तेजी हमने नेचुरल गैस में देखी और करीब 4.75% की तेजी हमने क्रूड ऑयल में देखी। सुबह भी आपने कहा था कि अच्छी खासी तेजी हम देख सकते हैं दोनों ही सेगमेंट में। तो क्या अपडेट है सर, पूरे हफ्ते का व्यू अगर बोले तो क्या अपडेट है एनर्जी बास्केट के लिए? देखिए अगर पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें एनर्जी मार्केट के अंदर, हमने अगस्त में कहा था एक करेक्शन ड्यू है, और वैसा ही हुआ कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन ने हमने आते हुए देखा। बट जिस ढंग से हमने फंडामेंटल साइड देखे तो अब रशिया और सऊदी ये दोनों कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कट के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट में भी कमी है, जिसके चलते प्राइजेस को अपलिफ्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं चार्टिकली हार्मोनिक पैटर्न बना था और मार्केट बराबर गिरावट ले रहा था, बट 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट की वजह से मार्केट यहाँ से यू टर्न कर गया। और रिसेंट जो न्यूज आई है
रशिया और सऊदी फर्दर प्रोडक्शन कट करेंगे, चाइना ने कहीं ना कहीं रेट कट किया जिसका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। हरिकेन सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो प्राइजेस ने जो की लेवल था पिछला वो तोड़ चुका है। अब यहाँ से हमारा मानना है कि प्राइजेस में एक तेजी के बाद एक पुल बैक, और पुल बैक के बाद ये 90 थी की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, वॉलिटिलिटी बढ़ी हुई है, तो सारे ही फैक्टर हम बोल सकते हैं कच्चे तेल के फेवर में है, जो 90 to 93 तक का लेवल बेयर मिनिमम दिखा सकता है। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि कच्चे तेल में ब्रेंट में तेजी है, जो जल्द 92 का लेवल। आपको ये भी ध्यान हो, यूबीएस और बाकी बैंकर्स ने भी ये साल के अंत तक 90 to 95 डॉलर ब्रेंट का बताया है, और 90 डॉलर का लेवल WTI का। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो हार्मोनिक पैटर्न बनने के बाद मार्केट में गिरावट जरूर आई थी, बट उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से उठता हुआ दिखाई दिया है। और आप देख सकते हैं जब तक मार्केट 200 मूविंग एवरेज का लेवल ब्रीच नहीं करता है, इचिमिको क्लाउड भी ग्रीन है, तो वॉलिटिलिटी भी हाई है, पॉजिटिव क्रॉसओवर है, प्राइजेस ने की रेजिस्टेंट 85 डॉलर का तोड़ चुका है। थोड़ा भी अगर पुल बैक मिलता है तो लेने का मौका बना रहेगा, फंडामेंटल भी सपोर्टिव है, टेक्निकली भी सपोर्टिव है। जो 90 डॉलर का लेवल हम WTI में बनते हुए देखेंगे, तो कुल मिलाकर कच्चे तेल के अंदर चाहे WTI हो चाहे ब्रेंट हो, दोनों में ही तेजी बनी है। नो डाउट पहले रिसेशन का कंसर्न बना था, बट अब चाइना ने जिस ढंग से रेट कट किया है, ये यूएस यूरोप को भी प्रेशर करेगा। वहीं अगर नेचुरल गैस की अगर बात करें, तो अब तक का सबसे सुस्त ट्रेड देखे हमने देखा था कि प्राइजेस ने 2022 अगस्त के अंदर पिछले साल लगभग 10 डॉलर का लेवल दिखाने के बाद अब 2.5 डॉलर के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमने पहले भी कहा था कि ये एक डाउन अपवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड रेजिंग चैनल में बन चुका है, तो मार्केट बार बार में इस रेंज में जाता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता, तो आई थिंक ये दायरे में ही मार्केट बना हुआ रहेगा। यहाँ पे एक पॉसिबल है क्योंकि यूएस के अंदर अभी भी अगर हम देखें तो गर्मी का हॉट वेदर आगे बताया जा रहा है, जिसके चलते प्राइजेस एक दायरे में ही रहेंगे। तो अनलेस एंड अंटिल प्राइजेस 2.5 2.4 के नीचे नहीं जाता है, मार्केट ये रेंज में आएगा और आने के बाद प्राइजेस में फिर से एक तेजी कर देगा। तो तेजी के कारण है कि अगले हफ्ते का जो वेदर फोरकास्ट में हॉट वेदर बताया जा रहा है, साथ में ऑस्ट्रेलिया की कुछ फैसिलिटीज में स्ट्राइक की न्यूज है जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा, वॉलिटिलिटी बढ़ने वाली है। मैकडी एज ऑफ नाउ न्यूट्रल है, इसके लिए क्लियरिटी नहीं है मार्केट में, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति हम बना के ट्रेड कर सकते हैं नेचुरल गैस के लिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें रेशियो की, तो रेशियो में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक ठहराव आ चुका है, क्योंकि डाउनसाइड भी नहीं जा रहा तो अपसाइड भी नहीं। एक ब्रेकआउट अगर हम देखेंगे 31 के ऊपर है तो 36 तक, जिसका मतलब है कच्चा तेल नेचुरल गैस के मुकाबले ज्यादा तेजी दिखा सकता है, बिकॉज जिस ढंग से प्रोडक्शन कट की न्यूज आ रही है, हरिकेन की न्यूज आ रही है, ये कहीं ना कहीं रेशियो के अंदर कच्चे तेल को ज्यादा फेवर करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम रेशियो में देख रहे हैं मार्केट एक अच्छा खासा बेस बनाकर अब अपसाइड जा रहा है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं रेशियो के हिसाब से तो ये लग रहा है कि कच्चे तेल में तेजी बनी रहेगी, जो 36 तक का लेवल आने वाले हफ्तों में दिखा सकता है। तो अच्छा, एमसीएक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे रुपया काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज कुछ दिनों में हमने देखा है कि रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती लौटी है, जिसके बाद थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा है, बट इन्फ्लेशन कंसर्न डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से रुपए में गिरावट आने वाले महीनों में बढ़ेगी और ये भी कारण रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्मोनिक पैटर्न बना, मार्केट में गिरावट है, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट आया, मार्केट में तेजी आ गई। अब प्राइजेस अगर 7,000 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन कर जाता है तो हम अच्छी तेजी देख पाएंगे, थोड़ा हो सकता है प्राइजेस में वॉलिटिलिटी बढ़ जाए, जो नीचे में 68-50 तक का सपोर्ट ले, एंड यहां से हम देखेंगे कि प्राइजेस अब 74-50 की तैयारी कर रहा है, तो हार्मोनिक पैटर्न फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी हार्मोनिक पैटर्न एक बार तो टारगेट अचीव कर चुका है कि हमने देखा 7,000 से मार्केट टूटा और लगभग 6,400 के नीचे आ गया था, बट यहाँ से अब रिकवरी बन रही है, जो 74-7500 के लेवल हम कच्चे तेल पे डोमेस्टिक मार्केट में बनते हुए देख पाएंगे। वहीं अगर नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, तो नेचुरल गैस में 230 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे, यहाँ पे कप एंड हैंडल बना हुआ है, बट 236 का लेवल अगर ब्रीच हुआ तो ही हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर एक तेजी बनेगी, जो ऊपर में जैसे हमने पहले भी कहा था कि 270 का लेवल भी दिखा दे, बट टाइमिंग मार्केट इस दायरे में है, जो दायरा मेंटेन है, 236 के ऊपर तेजी है, अदरवाइज मार्केट ये दायरे में ही ट्रेंड दिखाता दिखाई चलेगा। बट हाँ, कुल मिलाकर हम जल्द 200 मूविंग एवरेज के करीब पहुंचते हुए दिखाई देंगे,
जो 270 का लेवल है, तो डिमांड प्रॉस्पेक्ट है आगे जाकर वेदर डिस्टरबेंस और हरिकेन को लेकर, जो नेचुरल गैस को भी सपोर्ट करेगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट अगर बेस मेटल में हम देखें तो कॉपर में हमने पिछले हफ्ते करीब 60% की मूवमेंट देखी पॉजिटिव, जिंक में 3% की मूवमेंट देखी, एल्यूमिनियम में 2.5% की मूवमेंट देखी, और लेड में हमने करीब 3% की पॉजिटिव मूवमेंट देखी। एनसीडीएक्स स्टील भी देखे तो करीब 1% की मूवमेंट हमने देखी। तो क्या लगता है सर, बेस मेटल में इस हफ्ते क्या यही तेजी बरकरार रहेगी? देखिए जैक, मुझे लगता है कि चाइना ने जिस ढंग से स्टेप लेना चालू किया है वो तो एक काफी बड़ा स्टेप है। आप देख सकते हैं प्राइसेस ने 717 का लो मारने के बाद उम्मीद के अनुसार मार्केट में तेजी दिखा दी है। हमारा पहले भी मानना था कि मार्केट में तेजी का रुख है और हमने 756 तक का लेवल देखा। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पुल बैक 200 मूविंग एवरेज तक का लेवल मिल सकता है, विच इज 730। तो जब तक 725 के ऊपर मेंटेन है, हाई पॉसिबिलिटी 756 तक का लेवल देखेंगे। बट हाँ, चाइना जिस ढंग से स्टेपिंग कर रहा है, जल्द हम 770-75 की रेंज में भी कॉपर को जाते हुए देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर बाय ऑन ड्रॉप रखिए, वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, मैग्डी पॉजिटिव है, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति हम कॉपर में बनाकर कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर अगर हम कॉपर के बाद जिंक की बात करें, तो जिंक के अंदर हमने बेदासा अच्छी तेजी देखी है। टाइमिंग मार्केट के अंदर थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है मार्केट, लेकिन हमें लगता है कि जिस ढंग से चाइना स्टेप इन कर रहा है, स्टील इंडस्ट्री, स्टील के भाव इंप्रूव हो रहे हैं, तो ये जिंक को भी सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है जिंक के अंदर थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी है, तो एक करेक्शन तो देखिए थोड़ा सा बन जाता है मार्केट के अंदर। तो आई थिंक के मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक अगर 218 तक का लेवल मिलता है तो उस पुल बैक पे हमें लेके चलना है। कुल मिलाकर 226 का लेवल तोड़ने पे 233 के लेवल भी दिख जाएंगे। बट हाँ, एज ऑफ नाउ मुझे लगता है मार्केट अभी, आज तो यूएस मार्केट बंद है और ये हफ्ते में भी चाइना से जो डेटा पॉइंट आएंगे वो काफी क्रुशियल। बट कुल मिला के बेस मेटल में तेजी, यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, हाई वोल्टेज की मार्केट में धीरे धीरे बढ़ने वाली है, लेके काम करना चाहिए पूरे बेस मेटल में, खास करके कॉपर और जिंक, बिकॉज ये पूरे इकोनॉमी के एक तरह का बैरोमीटर है। तो चाइना जो स्टेप्स लेगा वो जिंक के लिए भी पॉजिटिव है। अब वहीं अगर हम उसके अलावा एल्यूमिनियम की बात करें, तो काफी हद तक मार्केट एक दायरे में ट्रेड करा था। हमारा भी मानना था कि 200 के लेवल के बाद ही तेजी करेगा। पिछले हफ्ते में हमने देखा प्राइजेस 200 का लेवल ब्रीच किया और अचानक से प्राइजेस ने 204 का हाई मार दिया। वहां से पुल बैक इसलिए भी आया क्योंकि प्रोडक्शन काफी अच्छे है और 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंट भी है। तो आई थिंक मार्केट वापस 199, 198.50 का सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश करेगा। बट अगर सितंबर मंथ की बात करें तो 206 तक का लेवल मिल रहा है, वोलेटिलिटी भी है, पॉजिटिव ट्रेंड है, इचिमिको क्लाउड के बाहर भी आने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर 198.50 और 199 तक का लेवल मिलता है, वहां से हम मार्केट में तेजी देखेंगे। जो हायर साइड पे 206 का लेवल दिखा देगा, लेड में हमने काफी बड़ी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में ब्रेकआउट देखा, ये भी मैंने पहले ही बताया था कि वोलेटिलिटी मेंटेन रहेगी मार्केट के अंदर। तो अब आप देखिए यहाँ पे वोलेटिलिटी भी है, पॉजिटिव क्रॉसओवर है, एक 191 का हाई लगाने के बाद एक पुल बैक पॉसिबल है मार्केट के अंदर। तो ये हमें लगता है कि पुल बैक जो है वो लगभग 50 मूविंग एवरेज का रहेगा, जो करीबन 186 के आसपास है। तो 186 तक का पुल बैक दिखाने के बाद मार्केट वापस जंप करेगा, जो 191 तक का लेवल दिखा देगा। तो जो रेंज बाउंड एक्टिविटी बनी थी उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है, तो वापस वो ऊपर रेजिस्टेंस को टच करने आएगा, उसके बाद ये तेजी बनेगी। वैसे ही हाल हम स्टील की बात करें तो फंडामेंटल साइड स्टील पॉजिटिव बनते जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है वो ब्रेकआउट दे चुका है। तो कुल मिलाकर अगर 47,000 जो 200 मूविंग एवरेज का रेट है अगर ये तोड़ देता है तो हम डेफिनेटली 49,500 तक का लेवल देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम बिल्डअप धीरे धीरे हो रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है, मैग्डी पॉजिटिव है, जो कुल मिलाकर बता रहा है कि मार्केट में तेजी का रुख है। तो स्टील के भाव में भी हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरीके से एक तेजी का रुख देख पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। इसके बाद अगर हम एग्री मार्केट में अपना रुख रुख करें तो पहले ही आ जाते हैं गुआर गुआर कॉम्प्लेक्स में। गुआर गम में हमने गुआर गम और गुआर सीड दोनों में ही हमने 0.5% की डाउन हमने देखी पिछले हफ्ते। लेकिन आपने जैसे कहा था मार्केट 12,500 या गुआर सीड में 6,100 के नीचे नहीं जा पा रहा है, तो क्या क्लाइंट को पैनिक करने की जरूरत है या कोई बात नहीं, हम तेजी में ही खड़े हैं?
मुझे लगता है कि देखो, पैनिक करना है, कंसर्न करना है, वो कस्टमर के हाथ में होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा चेंजेस है, क्योंकि यही डेटा अगर मैं यहाँ पे पेश करके आपको दिखाता हूँ, ये हमने गवार की कम्युनिटी भी बना रखी है, उसमें मैंने शेयर किया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट आपको ओपन इंटरेस्ट का डिटेल मिलेगा। आप ये देख सकते हैं गवार सीड के अंदर करीबन जून में 67,000 का OI था, जुलाई में 78 हुआ, अगस्त में 98 हुआ, तो ये कंटिन्यू OI बढ़ती जा रहा है। मेरी बात समझिए, तो आप जून में जो 5,400 के नीचे भाव गया था, मतलब मांडे में तो 5,150 भी मारा था, अब आप देखिए 5,400 से कंटिन्यू बढ़ रहा है, OI बढ़ रही है, इसका मतलब है तेजी, बरसात बिल्कुल भी नहीं है, तो क्यों घबराना है? फालतू में हम एक रेंज में देख रहे हैं मार्केट को और उसके बाद हम घबराते क्यों? यहाँ पे देखो, अब तक वोलेटिलिटी नहीं थी, अब धीरे धीरे वोलेटिलिटी बढ़ रही है। हाँ, थोड़ा सा हम यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट वैसे तो पॉजिटिव क्रॉसओवर में बना हुआ है। एक सेकेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस बना हुआ है, अभी भी ग्रीन जोन में बने हुए हैं, यहाँ पे वॉलिटिटी हाई है, और चार्ट में मेरे को कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं। मैंने देखो पहले ही कहा था कि 6,090 के नीचे नहीं जाएगा, 6,630 के ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट कंसोल्ट जितना ज्यादा कंसोलिडेट करेगा ना उतना अच्छा है मार्केट के लिए, और बरसात नहीं है, मानो मेरी बात, 6,600 का लेवल एक बार तोड़ दे, 72 से पहले नहीं रुकेगा। फंडामेंटल मजबूत है, टेक्निकल मजबूत है, OI डेटा भी अगर आप देखोगे तो OI डेटा भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही दिखा रहा है, क्योंकि OI में क्यूमुलेटिव OI में कोई चेंजेस नहीं है। तो जो ये तेजी मंदी कर रहा है, ये आपका पोजीशन मार्केट से निकालने की पूरी चेष्टा कर रहा है, तो घबराना नहीं है, मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, लेके ही काम कीजिए। हाँ, समय लग रहा है, बट समय अगर लगेगा भी तो आप समझ के चलिए कि रिजल्ट जो आएगा वो और पॉजिटिव ही आएगा। सिमिलरली अगर हम गम की भी अगर बात करें तो गम 13,000 के करीब ट्रेड कर रहा है, और गम के साथ अगर हम इसका OI का भी अगर सिनेरियो देखेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी एनालिसिस करते हैं तो प्रॉपर OI के साथ अगर जब हम एनालाइज करेंगे तो हमको क्लियरिटी मिलेगी पिक्चर में। तो यहाँ पे हम देखें कि एक राउंडिंग बॉटम का चार्ट बना हुआ है, ये मैं काफी समय से बता रहा हूँ, जब भाव करीबन 9,900 था, उसके बाद हमने लगभग प्राइजेस को 13,800 का लेवल छुआ, 13,800 के क्लोजिंग बेस के ऊपर हमने बताया था कि तैयारी तो 19 की है, मैं बोलता हूँ 19 छोड़ दो, 16,000 का तो लेवल पकड़ो, तो यहाँ पे कंसोल हाई वोलेटिलिटी है, ट्रेंड पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। एक सेकेंड, पॉजिटिव क्रॉस, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस हमारे पास बना हुआ है। सेकेंडली अगर मैं OI का डेटा भी देखता हूँ, तो आप देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए प्लेस भी कर रहा हूँ डेटा, तो OI का डेटा देखता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखिए हुआ क्या है, गम के अंदर OI मई के अंदर, या हम अप्रैल में देख लीजिए, 11,800 का भाव था, OI 47 था, बड़ा भाव में गिरावट आई, लेकिन आप देखो मई जून जुलाई के अंदर भाव 10,900 10,800 के बीच में कंसोलिडेट किया, और अब धीरे धीरे OI स्टेबल है, तो OI में कोई चेंजेस नहीं है, भाव में तेजी है, जिसका मतलब है कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट अच्छे हाथों में है। एक बार 13,800 का लेवल टूटा, 15,900 का लेवल आराम से दिखा देगा, ट्रेंड पॉजिटिव है, शॉर्ट करके काम नहीं करना, मार्केट अभी कंसोलिडेशन है, घाई मत कीजिए, 15-16 सितंबर के बाद मार्केट एक अच्छी खासी तेजी और दिखाता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो गवार कॉम्प्लेक्स अच्छा है, छोटी ट्रेडिंग मत देखिए, थोड़ा लंबा व्यू लेके चलिए, जहाँ पे हम अच्छी तेजी देख पाएंगे। सर, इसके बाद मसाले में आ जाते हैं। मसाले में हमने जीरा में फिर से अपर पिछले हफ्ते अपर सर्किट रखते हुए देखा, करीब 9% की तेजी हमने देखी जीरा में, लेकिन उतनी ज्यादा तेजी हमने बाकी हल्दी या धनिया में नहीं देखी। आधे आधे परसेंट की तेजी हमने दोनों में देखी है। तो क्या लगता है सर, बाकी धनिया और हल्दी भी क्या सेम तेजी पकड़ेगी जीरा की तरह? देखिए, अगर जीरे की अगर बात करें तो यहाँ पे हम डेली चार्ट पे जाते हैं, हमने कहा था 15 अगस्त तक मार्केट में तेजी है, 15 अगस्त के बाद मार्केट में गिरावट आई, क्योंकि सितंबर की सीजनैलिटी खराब दिखाई दे रही थी हमको, और जैसे हमने उम्मीद किया था मार्केट ने 56,000 का लेवल तोड़ने पे, हमने टारगेट किया था 52,500, 52,500 का हमने टारगेट लेके चला था, हमने कहा था कि नीचे में अगर मार्केट 56 के नीचे थोड़ा भी गया तो ये जाएगा, और आप देखिए एग्जैक्टली जो लो था मार्केट का वो मैं मार्क करके दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत बार होता है अरे सर आपने ऐसा बोला, आपने मैंने क्लियर कट
उंजा मीट थी, तब भी मैंने कहा था प्राइजेस के अंदर कि 64,000 65,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, करेक्शन ले लेगा। और एग्जैक्टली आप देखिए हायर साइड पे हमने 64,100 का लो देखा, यहाँ से हमने तेज कंटिन्यू मंदी बता रहे थे, और मंदी में हमने 62,650 का ये रेजिस्टेंट था, और मार्केट ने एग्जैक्टली 62,650 का ही लो मार के, हाँ एकाएक बड़ा जंप आया है, अब ये तेजी बन चुकी है। बट ये हफ्ता अगर मार्केट 60,000 के ऊपर होल्ड रहता है तो हम वापस नए हाई की तरफ जा रहे हैं। और ध्यान रखिए जनवरी तक जीरा नया हाई पे मेंटेन रहे, क्योंकि बैलेंस शीट टाइट है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा एक डामाडोल। अच्छा तेजी क्यों बनी है, उसके दो कारण है। एक तो हम डिलीवरीज को लेकर कुछ अनसर्टेनिटी देख रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन आप कुल मिला के देखिए स्विंग अच्छी रहेगी मार्केट में, लेकिन पानी कहाँ है। स्काई मेट आईएमडी क्लियर कट कह रही है कि पानी बिल्कुल नहीं है, जिसके चलते ये शॉर्टेजेस क्रिएट होगी, और वेदर सेंसिटिव क्रॉप होने की वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। साथ में ये भी माना जा रहा है कि जिस दिन से चने के भाव और मसूर के भाव में तेजी है, तो सोइंग का एरिया जीरे में थोड़ा और कम हो सकता है, या फार्मर के पास ऑप्शन है, कम तो क्या होगा। बट कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अब 60 के ऊपर मार्केट मेंटेन रहेगा। 58,500 का स्टॉप लॉस रखिए, 67 की तैयारी कीजिए। एक कंप्लीट पूरी रिपोर्ट इसके ऊपर जल्द ये हफ्ते के एंड तक आती हुई दिखाई देगी, जिसके ऊपर आपको काम करना है, बट शॉर्ट नहीं करना है। क्योंकि देखिए सितंबर की सिलेंडर गिरावट लग रही थी, बट गिरावट हमारी एक्सपेक्टेशन ही यही थी कि 51,500 से 52,500 की जोन में आएगा, मार्केट मार चुका है। तो या तो अभी 2-5 दिन काम मत कीजिए, हाँ थोड़ा भी पुल बैक मिले लेके चलिए। 58,500 के ऊपर जब तक मेंटेन है तेजी है, रिस्क एक ही है कि बंपर स्विंग होगा, भाव में गिरावट आएगी, वो हो चुका है, वो हो चुका है, 52,500 मार चुका है। अगर गिरावट वापस आती भी है तो कंसोलिडेट करेगा, बट लॉन्ग टर्म व्यू हम 70 का भाव, 700 का भाव, 70,000 का भाव आराम से देखेंगे, बट वो दिसंबर जनवरी की कहानी है। तो कुल मिलाकर अब जीरे में जो पहले कंसर्न था मुझे भी ये गिरावट ले लेगा, अब वो गिरावट खत्म होते हुए दिखाई देगी। धीरे धीरे बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है, स्ट्रेटेजी बनाई है, इसके ऊपर हमने कुछ प्लान बनाए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। धनिया, धनी के अंदर भी हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट 8 के ऊपर जाता नहीं है तो एक करेक्शन रहेगा नीचे में, लेकिन 6,966 के नीचे नहीं जाएगा, और एग्जैक्टली आप देखिए मार्केट 6,920 तक का लो मारता है और फिर यहाँ से रिकवर कर लेता है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट अब एक रिकवरी पाथ पे है, बट अभी भी बोला इसलिए नहीं जाता क्योंकि सितंबर की सीजनैलिटी, इम्पोर्ट, एफईडी, ये सारे के सारे जो फैक्टर है वो कुल मिला के नेगेटिव रहेंगे धनिया के लिए। लेकिन जिस ढंग से जीरा हल्दी में तेजी है, वो कहीं ना कहीं अब एक बार मार्केट 7,350 के ऊपर निकला तो 7,700 और 77 के ऊपर, हाँ अगर कोई जनवरी तक लेता है तो आराम से 9,500 9,600 की तैयारी कर लेगा। बट टाइमिंग मार्केट जो पहले नीचे की तैयारी कर रहा था, वो अब 6,800 6,900 का बेस जो है वो क्रिएट करता हुआ दिखेगा। ज्यादा बड़ी मंदी का मानस मत बनाइए, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। लास्ट अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी के अंदर भी हमने बात है जबरदस्त गिरावट बनेगी सीजनलिटी को देखते हुए, और वैसा ही कुछ हुआ, मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट बनी। और हमारा टारगेट देखिए 13,300 का हमने रखा था, अब आप ही देखिए कि 13,300 मारा है क्या। बिल्कुल, ये हमारा मंथली चार्ट था और मंथली चार्ट पे ही हम कंटिन्यू करेंगे। मैं चार्ट पे कुछ बड़ा चेंजेस नहीं करता हूँ, मैं ज्यादा करके जो पहले बनाया हुआ है उसी चीज को हम लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चार्ट पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया, टारगेट अचीव हुआ 18,000 का, और अब यहाँ से हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन लेना चाहिए, और आप देख सकते हैं एक सेकेंड, और आप देख सकते हैं मार्केट में हमारा एक्सपेक्टेशन एक गिरावट का था कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। मैं इस लाइन को थोड़ा सा आपके लिए आगे सरक गई थी तो इसको कम कर रहा हूँ। देखिए हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 13,280 तक का लो मारेगा, और मार्केट ने देखिए लो जो है वो एग्जैक्टली 12,970 का लो मार के मार्केट अब रिकवर कर रहा है। तो यहाँ से हमारा एक्सपेक्टेशन जो डाउन का था वो हो चुका है, लेकिन इमीडिएट इतनी बड़ी तेजी नहीं बढ़ेगी, बट एक बार 15,550 के ऊपर की क्लोजिंग या 15,900 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो 18,900 से लेके 21 की तैयारी करेंगे। तो ओवरऑल जो करेक्शन था, जो एक्सपेक्टेशन था वो खत्म हुआ है, लेकिन टाइम खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज अभी भी 4 अप्रैल ही हुई है। बस हो सकता है 15-20 दिन में मार्केट कंसोलिडेट कर ले, उस कंसोलिडेशन के बाद फिर मार्केट वापस चलता हुआ दिखेगा। सर, नेक्स्ट कॉटन कॉम्प्लेक्स में अगर आते हैं तो कॉटन ऑयल केक में हमने करीब 4.25% की तेजी देखी। फिर कॉटन में एमसीएक्स कॉटन में 3% की तेजी देखी। कपास थोड़ा रेंज बाउंड में पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। तो क्या लगता है सर, क्या
क्या व्यू रहेगा कॉटन कॉम्प्लेक्स में आपका इस हफ्ते के लिए? देखिए सर, मैं काफी समय से सबको बोल रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक रिपोर्ट प्रॉपर पहुंचे। आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा था, अ वेरी हाई मोमेंट इज एक्सपेक्टेड और वो पॉजिटिव आएगा। तो आप देख सकते हैं प्राइसेस में, अब प्राइसेस 90 सेंट के ऊपर जाने की बिल्कुल तैयारी कर रहा है। वीकली चार्ट पे कोई चेंजेस नहीं, मुझे कोई चार्ट बनाने का टाइम ही नहीं लगता। क्यों? यहाँ पे आप देखिए, पहले मैंने बताया वेरी हाई वोलेटिलिटी आएगा, पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, और एक बार 89.44 के ऊपर गया और प्राइजेस ने 90 to 93 तोड़ दिया तो 114 तक का लेवल दिखा देगा। अच्छा मौका है, बिकॉज आप ये देखिए कि कुल मिलाकर हमने रिसेंटली देखा था कि यूएस में भी यील्ड का फॉल है, डोमेस्टिक मार्केट पे भी बारिश का जो कंसर्न है वो यील्ड के फॉल का कारण बनेगा। चाइना मार्केट डिमांड करना चालू कर चुका है, जो कुल मिलाकर प्राइजेस को अपलिफ्ट करेगा। तो मुझे लगता है इंटरनेशनल मार्केट की भी अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बरकरार रहेगी, जो इंटरनेशनल में 115 सेंट का लेवल दिखा देगा, तो शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइजेस 61,500 का लेवल तोड़ चुका है, 64 का लेवल जल्द आता हुआ दिखाई देगा, लेके काम करना है। कॉटन सीड ऑयल के काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1 अगस्त को हमने 2300 पे कहा था बाय कीजिए, उसके बाद मार्केट में तेजी बनी थी बट 2780 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, तो मार्केट ने यहाँ से गिरावट लिया। हमारी उम्मीद थी 2550 की, बट मार्केट ने 22 अगस्त को लो मारा था 2560 का। हाँ, हमारा अभी भी मानना था कि नीचे में 2500 का लेवल एक बार दिखाएगा, बट प्राइजेस ने वापस हमने 29 अगस्त को 2600 का लो लगने के बाद तेजी दिखाई है। तो कुल मिलाकर अगर आप मान के चलिए कि जब तक प्राइजेस 2820 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है, हाँ डाउनवर्ड है, जो पहले 2500 देख रहा था, अब मैं समझता हूँ 2550 से 2650 के जोन में दिखाएगा, लेकिन 2820 के ऊपर की वीकली क्लोज कर देता है तो 3050 की तैयारी कर लेगा मार्केट फेज मैनर में, एक साथ नहीं। तो कुल मिलाकर मार्केट में तेजी का रुख रहेगा, बट सितंबर की सीजनलिटी मुझे अलाउ नहीं करती है कि मैं इमिडिएटली कुछ बड़ा पोजीशन बनाऊं, तो मैं 2820 का वेट करूंगा। नीचे में 2550 से 2650 के बीच में आएगा तो मैं लेके चलूंगा, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव क्रॉस ओवर है बट थोड़ा थकावट दिखाई दे रहा है, वॉलिटी बढ़ने वाली है, प्राइसेस में थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, तो 2650 से 2550 के जोन में मिले वहां से ऐड करना है, या 2820 के वीकली क्लोज पे ऐड करना है जो 3040-50 का लेवल दिखाएगा। बट कॉटन कॉम्प्लेक्स अगले 6 महीने में जबरदस्त तेजी दिखाएगा, प्लीज कोई भी शॉर्ट ना करे, लंबी तेजी है, सारे हम एनिमल फीड्स के अंदर तेजी देख पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट हम अगर लास्ट हमारा दो कम्युनिटी बचा हुआ है, एक कैस्टर और मेंथा ऑयल। कैस्टर में हमने लास्ट वीक पौने 1% की तेजी देखी, हुआ मेंथा ऑयल में हमने 1% की मंदी देखी। तो क्या व्यू रहेगा सर इस हफ्ते के लिए, वीकली बेसिस में क्या व्यू रहेगा कैस्टर और मेंथा? सर बिल्कुल, अगर मैं कैस्टर की बात करूँ तो थक गया है मार्केट चार्ट। यहाँ पे आप देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बना हुआ है मार्केट, ना ही नीचे की तरफ जा पा रहा है ना ऊपर की तरफ जा पा रहा है। यहाँ पे आप, मुझे लगता है कि मार्केट एक बेस बनाकर अब 200 मूविंग एवरेज की तैयारी कर रहा है, तो एक बेस बन चुका है जो 6050 का है, और एक बार प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज मतलब 6400 के ऊपर निकल जाता है तो हम 7,000 का लेवल देगा। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है 7,000 का लेवल इजी अचीवेबल है तोड़ने में, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, हाई वोलेटिलिटी बढ़ रहा है, मैकडी जो नेगेटिव बना था अब यहाँ से कर्व बना के तेजी करने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक कैस्टर के अंदर कोई अगर थोड़ा सा लंबा व्यू लेके चलता है तो मुझे काफी अच्छा काउंटर लग रहा है, फंडामेंटल साइड से भी एंड टेक्निकल के साइड से भी, तो पॉजिटिव क्रॉस ओवर हम देख पाएंगे जल्दी, और एक बार 6400 के ऊपर निकला तो 6800 तो बेयर मिनिमम है, तो शॉर्ट करने की तो सलाह नहीं है बट बाय ऑन टॉप की रणनीति बनाइए, कंसोलिडेट रहेगा, मार्केट में तेजी बनेगी। लास्ट अगर आप मेंथा की अगर बात करें तो मेंथा के अंदर जैसे हमने उम्मीद की थी मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, हमने उम्मीद की थी कि मार्केट में एक तेजी बनेगी और ऐसा ही हुआ, मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बन गई। ऊपर में आप देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंट मार्केट को फेस करता हुआ दिखा रहा था, एग्जैक्टली मार्केट उसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। एक बार 1080 के ऊपर निकला तो हम 1240 तक का भी लेवल जल्द देख पाएंगे, तो कुल मिलाकर फंडामेंटल बहुत मजबूत है। टेक्निकली थोड़ा सा पुल बैक अगर मिलता है 990 के आसपास तो पॉजिटिवली हम लोग लेके चलेंगे,
यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर है, वॉलिटिलिटी अभी भी बढ़ी नहीं है, जितनी वॉलिटिलिटी हमने देखी है उतनी आई नहीं है अभी तक, मंथली चार्ट के ऊपर वीकली में आना चालू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्राइजेस के अंदर एक अच्छी तेजी बनता हुआ दिखाई देगी, तो मुझे लगता है कि बाइंग करके ही चलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अजय सर, हमें चार्ट के साथ और आपका टेक्निकल और फंडामेंटल के साथ हमें इतने अच्छे से समझाने के लिए सारे एग्री कम्युनिटी और कम्युनिटी मार्केट को। थैंक यू वंस अगेन अजय सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारे साथ थे मिस्टर अजय केडिया जी, केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर और रिसर्च है। हम जैसे कि अजय सर ने कहा है कि हमारे सारे ग्रुप्स जो फ्री ग्रुप्स है, हम उसके लिंक्स जो है वो आपके कमेंट में, पिन कमेंट में आपको पोस्ट कर देंगे। प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे गुआर कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे अलग ग्रुप है, हार्मोनिक्स के लिए अलग ग्रुप है, कॉटन कॉम्प्लेक्स के लिए अलग से एक ग्रुप है, एनर्जी अपडेट्स के लिए एक ग्रुप है, जीरा अपडेट्स के लिए ग्रुप है। वहाँ पे हम चार्ट के साथ साथ जो डेली अपडेट है न्यूज के और कुछ कॉल्स के, वो हम वहाँ पे आपके साथ शेयर करते हैं। तो प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए उस ग्रुप में, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस जो वीडियो है, इम्पोर्टेंट वीडियो है जो हम हर हफ्ते मंडे को आपके लिए लाते हैं, उसको आपके ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी अपडेट्स के लिए सुबह सुबह हम मॉर्निंग कम्युनिटी पॉडकास्ट लाते हैं, वेडनेसडे को हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न सेशन लाते हैं, और हफ्ते में बाकी दिन हम जो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप यूट्यूब में लिखते हैं और हम आपके हिसाब से वो वेबिनार लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में केडी एडवाइजरी के नाम से हमें फॉलो कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।